हर साल की तरह इस बार भी देश के जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। सीमावर्ती इलाके लेपचा में पीएम नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंच गया हूं। इस दौरान पीएम मोदी सेना की जैकेट और टोपी में नजर आए। बता दें कि रविवार को पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। हालांकि देश की सीमा की सुरक्षा में जुटे जवान ड्यूटी की वजह से अपने घर नहीं जा पाते हैं, ऐसे में उन्हें परिवार की याद ना आए, इसलिए पीएम मोदी हर साल देश के अलग अलग सीमाई क्षेत्रों में जवानों के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। पीएम मोदी ने लेपचा पहुंचकर न सिर्फ जवानों से मुलाकात की बल्कि उनका हालचाल भी जाना। सैनिकों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं पीएम मोदी। बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी हर साल सैनिकों के साथ ही दिवाली मनाते रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर सियाचिन में तैनात जवानों के साथ खुशियां बांटी थी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है और वहां की परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से जवानों का मनोबल बढ़ा था। पीएम मोदी इस मौके पर जवानों को मिठाई भी खिलाते हैं। वर्ष 2015 में पंजाब के अमृतसर में, वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पीएम ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। इसके बाद वर्ष 2017 में कश्मीर के गुरेज में, वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के केदारनाथ में और वर्ष 2019 में जम्मू संभाग के राजौरी में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2020 में पीएम मोदी ने दिवाली राजस्थान के जैसलमेर में मनाई थी। वर्ष 2021 में राजौरी जिला के नौशेरा और वर्ष 2022 में कारगिल में सैनिकों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की दिवाली मनी है। कारगिल युद्ध में भारत की जीत के लिए ये एक ऐतिहासिक स्थान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से जवानों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें एहसास होता है कि देश उन्हें महत्व देता है। हर साल सैन्य बलों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों का उत्साह वर्धन करते रहे हैं।